देवभूमि के आप सभी छात्रों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से आपकी अग्रिम परीक्षाओं के लिए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मुख्य परीक्षा का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से बेहतर चल रहा होगा। आप में से कई सारे छात्र और छात्राएं लगातार मैसेज कर रहे थे प्रश्नों को लेकर, उनकी चिंताओं का समाधान किया गया है और मुख्य परीक्षा की जो कक्षा होगी उसमें हम उस संदर्भ में बात करेंगे। अभी क्योंकि करंट अफेयर्स का सेशन है, करंट अफेयर्स से संदर्भित चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और उत्तराखंड राज्य विशेष से जुड़े हुए करंट अफेयर्स घटनाक्रम को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लेकिन जो भी घटनाक्रम है, सबसे पहला जो फोकस है कि करंट अफेयर्स जो घटनाक्रम है वो तो देखा ही जाए, साथ ही साथ उसमें जो है हम इन प्रश्नों को भी जोड़ लें, क्योंकि उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो उत्तराखंड का जीके अवश्य होना चाहिए, महत्वपूर्ण है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। जो उत्तराखंड से संदर्भित परीक्षाएं होती हैं उसमें उत्तराखंड का जीके पूछा जाता है। तो प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स की जो आपकी ये कक्षा होगी, क्योंकि सेम कक्षा बिहार राज्य विशेष, सेम प्रश्न होते हैं बिहार राज्य विशेष के लिए भी एक कक्षा होती है, उनके लिए भी यही प्रश्न होते हैं। लेकिन क्योंकि आपका उत्तराखंड राज्य विशेष की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो आपके अलग से होते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की जो कक्षा है वो सभी के लिए अनिवार्य है और आप किसी भी राज्य विशेष से हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आप उत्तराखंड के हैं तो आप इन फैक्ट को देखिए, उत्तराखंड से बाहर के यदि छात्र हमें देख रहे हैं तो आपको ये जो उत्तराखंड राज्य विशेष जब तक मैं बताता हूँ इसको आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहली बात, उत्तराखंड राज्य की स्थिति के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तराखंड राज्य की स्थिति के बारे में बात हो रही है। और जब बात होती है उत्तराखंड राज्य की स्थिति के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी राज्य की जब हम स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पूर्व में कौन सा क्षेत्र है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है और सबसे दक्षिण में कौन सा है। जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का वह जिला जो सबसे उत्तर में है उसका नाम है उत्तरकाशी। क्या नाम है? उसका नाम है उत्तरकाशी, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरकाशी ये सबसे उत्तर में है। यदि हम बात करें सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो आपको बताना पड़ेगा देहरादून, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो आपको बताना पड़ेगा उधम सिंह नगर। तो याद रखना है उत्तरकाशी सबसे उत्तर में, उधम सिंह नगर सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में पिथौरागढ़ और सबसे पश्चिम में देहरादून आपको देखने को मिलता है। उत्तराखंड के यदि हम कुल क्षेत्रफल की बात करें, राज्य के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, 53,483 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। उत्तराखंड राज्य के गठन की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था और भारतीय गणतंत्र का उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। यह भी याद रखना है कि भारतीय गणतंत्र का उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। यदि हम बात करें पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य कौन सा है तो आपको याद रखना है उत्तराखंड, और उत्तराखंड 11वां राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड की जब आप बात करते हो, उत्तराखंड के आप रहने वाले हो, उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाओं को आप देते हैं, क्योंकि अपर की जो परीक्षा है उसको यदि हम छोड़ दें पीसीएस अपर की, तो बाकी की जो भी परीक्षाएँ हैं उत्तराखंड की वो सिर्फ उत्तराखंड के निवासी ही दे सकते हैं। तो यदि आप उत्तराखंड के हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स की इस कक्षा में इसी तरह के फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड का जिलेवार अध्ययन भी अब प्रारंभ होने वाला है तो जिलेवार अध्ययन से भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, पर्वतीय राज्यों का क्रम हमने देख लिया। सबसे पहली बात होती है जैसे किसी राज्य के गठन की बात जब हम करते हैं तो उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही राज्य का गठन हो पाता है। और इस क्रम में सबसे पहले कोई जो विधेयक होता है वो लोकसभा में पारित किया जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड राज्य विधेयक जो है वो लोकसभा में कब पारित किया गया तो आपको बताना है कि 1 अगस्त वर्ष 2000 को उत्तराखंड राज्य विधेयक जो है ये लोकसभा में पारित किया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए
उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो आपको बताना है 10 अगस्त वर्ष 2000 को ये राज्यसभा में पास किया गया। और जब भी राज्यों के गठन से संदर्भित कोई विधेयक होता है या कोई भी विधेयक जो इस प्रकार का नया होता है तो वहाँ पे लोकसभा की स्वीकृति के बाद, राज्यसभा में पारित होने के बाद उसको जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना पड़ता है। तो आपने देखा कि 1 अगस्त वर्ष 2000 को ये लोकसभा में पारित हो गया, 10 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हो गया। अब इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए और इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है 28 अगस्त वर्ष 2000 को। तो ये तीनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ और राष्ट्रपति की इसको अनुमति कब मिली, 28 अगस्त याद रखना है। यह भी याद रखना है, यदि बात कर लें राष्ट्रपति कौन थे तो याद रखना है K.R. नारायणन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे और उन्हीं के समय में यह उत्तराखंड राज्य विधेयक जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें उत्तराखंड राज्य के नाम से, क्योंकि राज्य का नाम जो है वो भी परिवर्तित किया गया, जो आज नाम आप उत्तराखंड देखते हैं, राज्य के गठन के समय उत्तराखंड राज्य के नाम से इसका गठन नहीं हुआ था। तो राज्य का जो नाम था वो 31/12/2006 तक जो है ये उत्तरांचल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? उत्तरांचल हुआ करता था। और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हुआ। तो राज्य के गठन के समय इसका जो नाम था वो था उत्तरांचल, बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, राजकीय भाषा की यदि हम बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में दो राजकीय भाषाएं आज के समय में देखने को मिलती हैं। पहली जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी, लेकिन बाद में संस्कृत को भी उत्तराखंड में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। और जब बात आती है संस्कृत को राज्य भाषा देने का दर्जा, तो आपको बता दें हरियाणा एक ऐसा राज्य है पूरे भारत का जिसने संस्कृत में संस्कृत के जो विद्वान हैं उनको अपने राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। यह नाम भी आपको पता होना चाहिए, यह काम किसने किया है? हरियाणा ने किया है। तो संस्कृत इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो संस्कृत के विद्वान हैं उनको भी संरक्षण दिया जाए, उनको भी वह सुविधाएं दी जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत की तरफ झुकें, संस्कृत की तरफ जुड़ाव महसूस कर सकें। ठीक है, अब बात आती है राज्य प्रतीक चिन्हों की। राज्य प्रतीक चिन्हों की जब हम बात करते हैं तो इसका निर्धारण वर्ष 2001 में किया गया। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तराखंड का? एक गोलाकार मुद्रा में तीन पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा, यमुना, रामगंगा, काली की चार लहरें अंकित हैं, बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित है। तो यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न यह बन सकता है कि उत्तराखंड के जो राजकीय चिन्ह है उनमें से किस नदी की लहरों का जिक्र किया गया है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है, जब बात करते हैं कि किस नदी की लहरों का यहाँ पे चर्चा की गई है, तो चार नदियाँ आपको याद रखनी है, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रख लीजिए, गंगा, यमुना, काली याद रहेगा। ठीक है, रामगंगा और याद रख लीजिए, बाकी तीन आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि गंगा, यमुना इस संदर्भ में याद रख लीजिए कि उनका उद्गम उत्तराखंड से होता है, काली इस संदर्भ में याद रख लीजिए कि नेपाल की सीमा जो है उत्तराखंड से लगती है और उत्तराखंड से जो सीमा लगती है उसमें विवाद का जो विषय है भारत और नेपाल के संदर्भ में वो काली नदी है, तो काली को भी इस संदर्भ में याद रख लीजिए। तो गंगा, यमुना, रामगंगा और काली इन चार नदियों को आप इस क्रम में याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात आती है राज्य पशु की। राज्य पशु की जब बात करते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड का जो राज्य पशु है उसका नाम है कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग जो है ये उत्तराखंड का राज पशु है। और आपको बता दें यह 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से ये पिथौरागढ़, फूलों की घाटी, केदारनाथ आदि जगहों पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोगास्टर, मास्कस काइसोगास्टर, ये कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। और इनका अन्य नाम हिमालयन मस्क डियर भी है।
ठीक है, इसका रंग भूरा होता है और कस्तूरी नर मृग में पाई जाती है। एक बार में 30 से 40 ग्राम ही अधिकतम ये पाई जाती है। कस्तूरी मृग की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कस्तूरी मृग को संरक्षण देने के लिए कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना भी की गई थी। कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना कहाँ पे की गई, तो याद रखिएगा चमोली केदारनाथ वन्य जीव विभाग के अंतर्गत 967 वर्ग किलोमीटर में कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना 1972 में की गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रत्येक दिन हम कुछ फैक्ट देखेंगे, अभी कुछ चीज़ें और इसमें हम देख लेते हैं कस्तूरी मृग के संदर्भ में, उसके बाद आज की जो उत्तराखंड राज्य की जो चर्चा है वो समाप्त होगी और हम करेंट अफेयर्स की चर्चा देखेंगे। आपको बता दें वर्ष 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण की स्थापना की गई। याद रखिएगा अक्सर पूछा जाता है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पे है, तो आपको जवाब देना होगा कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। वर्ष 1982 में चमोली जिले के काचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। चिकित्सा की दृष्टि से कस्तूरी हार्मोनल स्राव पदार्थ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, फैक्ट पूछा जा सकता है। अब बात आती है राजपक्षी की, तो राजपक्षी की जो चर्चा है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। अब आइए करंट अफेयर्स को हम देखते हैं। अब यहाँ से हम प्रश्नों की शुरुआत करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि आप देख पा रहे हो, प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है। क्या बोला जा रहा है, प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे, एक मिनट का समय दीजिएगा, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है, ये आपको बताना है। चले सभी, सबसे पहले प्रश्न कोई भी होता है उसको बार बार बोला जाता है कि आप कम से कम दो बार प्रश्न को पढ़ें, क्योंकि दो बार जब आप प्रश्न को किसी प्रश्न को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसको समझ पाते हैं कि उसका नेचर क्या है, क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दो बार पढ़ना है और दो बार पढ़ने के बाद ही जवाब देना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला है। चार नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विप्रो, HCL, इन्फोसिस और टाटा पावर। चार नाम है यहाँ पे, ए विकल्प में है विप्रो, सेकेंड में है HCL, थर्ड में है इन्फोसिस और फोर्थ में है टाटा पावर। इनमें से किसको ये अवार्ड मिला है ये आपको बताना है। चले तब तक के लिए मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है, आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सत्या नडेला वर्तमान समय में इसके CEO हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे बेस्ड कंपनी है, तो ये USA बेस्ड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर भी आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो सत्या नडेला हैं और माइक्रोसॉफ्ट USA बेस्ड एक कंपनी है, विशेष रूप से विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन विकल्पों में से सही कौन सा है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है HCL। HCL जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, HCL टेक्नोलॉजी को यह पुरस्कार मिला है। और HCL की यदि हम बात करें तो आपने शिव नडार का नाम सुना होगा, शिव नडार इसके फाउंडर मेंबर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। HCL के फाउंडर मेंबर जो हैं वो शिव नडार हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में देखने को मिलेगा, एक भारतीय कंपनी है, इसके बारे में भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प, HCL। अब यहाँ विकल्पों में आपको डी विकल्प में दिख रहा होगा टाटा पावर। टाटा पावर के बारे में लगातार बात होती रहती है और मैंने आपको पिछले दिनों बताया भी था कि टाटा पावर ने तमिलनाडु राज्य के साथ समझौता किया है। किस राज्य के साथ, तमिलनाडु राज्य के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है, ये पिछले दिनों मैंने आपको बताया था। प्रश्न था कि किस कंपनी ने तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारने के लिए समझौता किया है, तो वो था टाटा पावर, ये आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे बात हो रही है टाटा पावर की, तो आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार जो है, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ITI, जो ITI संस्थान होते हैं, ITI के अपग्रेड के लिए, ITI संस्थान को अपग्रेड करने के लिए भी तमिलनाडु सरकार ने टाटा पावर से समझौता किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके लिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य है जो अपने राज्य के ITI को और
प्रौद्योगिकी कुशल बनाने के लिए टाटा पावर के साथ समझौता कर रहा है, तो आपको बताना है कि वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु वही राज्य है जिसने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का फैसला लिया था। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का फैसला लिया था और 14 अप्रैल को हम समानता दिवस यहाँ पे मनाते हैं। 14 अप्रैल को समानता दिवस और 18 अप्रैल को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं तमिलनाडु में। ये दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब बात होती है तमिलनाडु की, तो याद रखिएगा एनम एथुथम नामक एक योजना है जो यहाँ पे तमिलनाडु राज्य सरकार चला रही है, वह भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न से विशेष रूप से आपको ये पता चल गया कि माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। आपने देखा कि HCL को मिला है। HCL के जो फाउंडर हैं वो हैं शिव नडार और इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में देखने को मिलता है। बात आती है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के संदर्भ में आपने समझा कि माइक्रोसॉफ्ट USA बेस्ड एक कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और वर्तमान समय में सत्या नडेला जो हैं ये इसके CEO हैं। इतनी जानकारी बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो क्या कह रहा है। हाल ही में कहाँ पर भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। क्या बोला जा रहा है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। सुरक्षा मंथन की बात हो रही है, भारतीय सेना का आप कह सकते हो एक बैठक है जिसका नाम दिया गया है सुरक्षा मंथन। यह आयोजन कहाँ पर हुआ था। पहला विकल्प कह रहा है नई दिल्ली, दूसरा विकल्प कह रहा है कोलकाता, तीसरा विकल्प कह रहा है जोधपुर और चौथा विकल्प कह रहा है भुवनेश्वर। अब इनमें से सही कौन सा है ये आप बताएंगे। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 20 से 25 सेकेंड का समय है और इस समय के अंदर ही जवाब देने का प्रयास किया करें। चलें हाल ही में कहाँ पर भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया था। सबसे पहली बात, यहाँ पे बात हो रही है इंडियन आर्मी की, ठीक है, इंडियन आर्मी की बात हो रही है। तो इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, ये पहला आपका होमवर्क है कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में आप हमें सबमिट करोगे, ठीक है। आप बताओगे कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन है। और यहाँ पे बात हो रही है सुरक्षा मंथन 2022 की, तो आपको बता दें सुरक्षा मंथन 2022 ये जोधपुर में आयोजित हुआ था। अब बात आती है जोधपुर है कहाँ पे, तो सबको पता है जोधपुर राजस्थान का एक शहर है। और जब राजस्थान की बात आती है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए अरावली श्रृंखला, और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलती है, राजस्थान के सिरोही ज़िले में देखने को मिलती है। ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा पिछले दिनों भारत को 52वां टाइगर रिजर्व मिला था और भारत का ये जो 52वां टाइगर रिजर्व था ये राजस्थान से संदर्भित था। राजस्थान में कौन सा है, तो आपको पता होगा इसका नाम है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। इसका नाम भी आपको याद रखना है, रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। पूछा जा सकता है कि किस राज्य से संबंधित है, तो आपको जवाब देना होगा राजस्थान। वर्तमान समय में यदि आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो वर्तमान समय में राजस्थान में आपको 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं, पहला आपको देखने को मिलता है रणथंभौर, नाम अक्सर आपने सुना होगा। दूसरा आपको देखने को मिलता है सरिस्का, तीसरा आपको देखने को मिलता है मुकुंद्रा हिल्स और चौथा आपका हो गया रामगढ़ बिसधारी। तो देश का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान से संदर्भित है और राजस्थान इसी के साथ 4 टाइगर रिजर्व रखने वाला राज्य बन गया है और चारों के नाम आपको पता होना चाहिए, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स और रामगढ़ बिसधारी। इतनी बेसिक जानकारी है प्रत्येक प्रश्न के बारे में। इसी तरह से प्रयास किया करें कि जो मैक्सिमम जानकारी आप उस प्रश्न से जुटा सकें, उस फैक्ट से जुटा सकें, वो आपको उतना एक्सरसाइज करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने टाइगर रिजर्व तक लाकर आपको सीमित कर दिया है, आप इससे आगे भी बढ़ सकते हो। जैसे कि राजस्थान के बहुत सारे स्थान हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं, जैसे जयपुर हो गया, राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है, उनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको जाके देख लेना चाहिए। और इस तरह से एक्सरसाइज होनी चाहिए,
कि जैसे कि राजस्थान की झीलों की जब बात करते हैं आप, तो उसी तरह से भारत में कुल कितनी प्रमुख झीलें हैं वो आप कनेक्ट करके देख सकते हो। झीलों की आप बात करते हो तो आर्द्र भूमियों की भी आप चर्चा कर सकते हो। आर्द्र भूमियों की चर्चा करते हुए आप ईरान तक पहुंच सकते हो, रामसर साइट आप देख सकते हो, रामसर स्थल के बारे में देख सकते हो। तो जितनी आप एक्सरसाइज स्वयं से करोगे उतने करेंट अफेयर्स की चीज़ें भी बेहतर होंगी और जीके की जो फैक्ट हैं वो भी आपके बेहतर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। ग्रीनको को बोला जा रहा है कि ग्रीनको ने किस आईआईटी संस्थान के साथ या किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है, आपको बताना है। विकल्पों में यदि हम बात करें, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, 4 प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है, फास्ट जवाब देना है। चलें बताएं, इनमें से कौन सा है, आईआईटी हैदराबाद, रुड़की, दिल्ली या मद्रास। बात हो रही है ग्रीनको की कि किसके साथ समझौता किया है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। और जब हैदराबाद की बात आती है, आपके लिए यहीं पे दूसरा होमवर्क मिलता है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद में एक प्रतिमा स्थापित की गई है और ये जो प्रतिमा स्थापित की गई है ये आप कह सकते हो भारतीय प्रधानमंत्री स्वयं इसमें मौजूद थे। तो ये किसकी प्रतिमा थी जो हैदराबाद में स्थापित की गई है और विश्राम की मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये आपको बताना है कि किसकी प्रतिमा का अनावरण भारतीय प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों हैदराबाद में किया है। होमवर्क नंबर 2 ये आपको कमेंट बॉक्स में सबमिट करना है। और आपको बता दें, फर्नीचर की एक कंपनी है विश्व प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं आईकिया। आईकिया का जो पहला शोरूम खोला गया था भारत में वो हैदराबाद में खोला गया था, यह भी आप याद रखिएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आईकिया किस प्रकार की कंपनी है, तो आईकिया एक फर्नीचर कंपनी है, वैश्विक स्तर पर विख्यात है। ठीक है, चले अगला प्रश्न। देखो कोई भी मंथ होता है तो आप जानते हो कि प्रत्येक मंथ में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं और इन्हीं महत्वपूर्ण दिवसों से संदर्भित प्रश्न ये आपके साथ है। बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। 4 तिथियां दी हुई हैं, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या 5 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। चल आप जानते हैं 1 जुलाई को भी एक महत्वपूर्ण तिथि थी, यदि आपको याद हो 1 जुलाई को मैंने बताया था करेंट अफेयर्स की ही कक्षा में कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, GST दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। 2 जुलाई की जब आप बात करते हो तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है वो 2 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो तिथि है ये 3 जुलाई को मनाई जाती है। ठीक है, 3 जुलाई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, फैक्ट नोट कर लीजिएगा, अक्सर तिथियों से संदर्भित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जुलाई माह से सिंगल यूज जो प्लास्टिक है पूरी तरह से बैन हुआ है, इसलिए इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, हाल ही में KBIC का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया। KBIC सब समझते होंगे, जो नहीं समझते होंगे आज नोट कर लीजिएगा, रट जाइएगा। KVIC की बात हो रही है, KVIC को यदि फुल फॉर्म आपको नोट करना है आप नोट कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड बिलज इंडस्ट्रीज कमीशन। हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में आप इसको लिखोगे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, तो KVIC जो है इन दिनों चर्चा में है, लगातार चर्चा में रहता है अपने उत्पादों को लेकर, अपने कार्यक्रमों को लेकर, क्योंकि लगातार जनजातीय क्षेत्र में KVIC द्वारा बहुत ही बेहतर कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि KVIC का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया। 4 शहरों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कहाँ पर खोला गया है आपको बताना है। चलें, इनमें से कहाँ पर खोला गया है, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई। अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई,
कहाँ पर खोला गया है आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कहाँ पर सॉरी कहाँ पर खोला गया है आपको बताना है। चार विकल्प आपके सामने हैं, इन्हीं चार विकल्पों में से चुनाव करना है। चलिए बताएं, KBIC का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया। सभी को जवाब देना है इस प्रश्न का, आपको सबको जवाब देना है, क्योंकि पूर्व में भी इससे संदर्भित चर्चा हो चुकी है, तो ऐसे में जरूरी है कि आप इसके बारे में बताएं कि KBIC का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया। सभी को जवाब देना है, आप जवाब देंगे फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलें बताएं, फास्ट जवाब। चले KBIC की बात हो रही है, KBIC का फुल फॉर्म आपने देखा, आपने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात हो रही है, और पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, तो इतनी जल्दी आप कैसे भूल सकते हो। चले फास्ट जवाब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया। चले जवाब दीजिए। देखो आप में से उपस्थित तो लगभग लगभग सभी होते हैं जो रेगुलर छात्र हैं, लेकिन जब इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने की बात आती है बहुत कम लोग देते हैं। तो आपको बता दें ये खोला गया दिल्ली में, ठीक है। तो खादी का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है ये दिल्ली में खोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात हो रही थी KBIC की, मैंने इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। और आपको बता दें KBIC जो है ये MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और MSME मंत्रालय के बारे में पिछले दिनों हमने बताया था आपको कि नारायण राणे जो हैं वो इस विभाग के मंत्री हैं, और वही MSME मंत्री हमारे हैं, और वही इन सभी कार्यक्रमों को देखते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि KBIC के बारे में हमने देख लिया, तो MSME की बात हो रही थी, तो MSME ने अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया है, और MSME ने जो पुरस्कार दिया है उसका नाम आप नोट कर सकते हैं, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022। और राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में राज्यों को रैंकिंग दी गई है, राज्यों को रैंकिंग दी गई है, और इसमें जो टॉप रैंकिंग है, पहले स्थान पर जो राज्य है उसका नाम है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर जो राज्य है उसका नाम है बिहार। तो ये दोनों याद रखिएगा कि MSME के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो दिए गए हैं उसमें उड़ीसा पहले स्थान पे है और आपका बिहार दूसरे स्थान पे है। साथ ही साथ यदि बात किया जाए कि MSME राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा था, तो विरुधुनगर याद रखिएगा, विरुधुनगर। और विरुधुनगर कहाँ पर पड़ता है, विरुधुनगर पड़ता है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में कहाँ पे पड़ता है, ये तमिलनाडु का एक ज़िला है, अक्सर चर्चा में रहता है विरुधुनगर, तो इसको भी आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के विरुधुनगर को जो है सर्वश्रेष्ठ जिला इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है, ठीक है। MSME राष्ट्रीय MSME पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार इसको मिला है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि MSME के विकास के लिए कौन सा बैंक है जिसने सबसे ज़्यादा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई, सबसे ज़्यादा वित्तीय मदद की, तो आपको याद रखना है SBI ने सबसे ज़्यादा मदद की है, यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग निजीकरण का समर्थन करते हैं, निजीकरण के जो समर्थन करने वाले लोग हैं, आप देख लीजिए जो भी इस प्रकार की योजनाएँ होती हैं, जो कि विशेष रूप से सरकार की जो योजनाएँ होती हैं जिसमें संबंधित बैंकों को लाभ कम होता है, मतलब आप कह सकते हो लाभ शून्य के बराबर होता है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने का काम, ऐसी योजनाओं को क्रियान्वयन कराने का काम जो है सिर्फ और सिर्फ जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वही कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के बैंक इसमें सिर्फ जितनी उनकी बाध्यता होती है उतना ही योगदान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में जो निजीकरण हो रहा है वो गलत है, निजीकरण की भी अपनी एक सीमा निर्धारित है और उसी के आधार पर चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और आप याद रखिएगा, एक अभी प्रधानमंत्री जी ने एक योजना की शुरुआत की थी, उसका नाम था उद्यमी भारत योजना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उद्यमी भारत योजना कहाँ से शुरू की गई भारतीय प्रधानमंत्री ने, तो आपको बताना है दिल्ली से उद्यमी भारत योजना की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री ने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है,
हाल ही में किसे मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार मिला है? देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस तरह के तीन पुरस्कार होते हैं, मैं तीनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे पहले बात हो रही है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं MBE पुरस्कार। क्या बोलते हैं इसको? MBE पुरस्कार। MBE पुरस्कार की अभी हम बात कर रहे हैं, और MBE जो पुरस्कार मिला है वो मिला है किसको? ये मिला है, नोट कर लीजिएगा, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, ठीक है। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को MBE या मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार मिला है। दो पुरस्कार इसी तरह के और होते हैं, एक का नाम है CBE, एक का नाम है OBE। इनका फुल फॉर्म क्या है? पहले का फुल फॉर्म तो आपका था मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। CBE का फुल फॉर्म है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और OBE का फुल फॉर्म है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और तीनों के बारे में आपको जानकारी नोट करना है। तो पहला आपने MBE नोट कर लिया, MBE आपने नोट किया, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति। CBE के बारे में यदि हम बात करें तो इसका जो पुरस्कार मिला है ये अजय पिरामिल को मिला है, ठीक है। इसके बाद है OBE ऑफिसर की बात हो रही है, ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला है किशोर जयरामन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? ये सभी के सभी जो पुरस्कार हैं, ये सभी के सभी पुरस्कार जो हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। क्या है? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। और ब्रिटिश संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से एक भारतीय डॉक्टर को सम्मानित किया है, और उनका नाम है डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। और डॉक्टर तनुजा की यदि बात करें तो AIIA की ये डायरेक्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चार पुरस्कार यहाँ पे मैंने आपको बताया, पहला मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति, दूसरा है CBE जिसको बोलते हैं कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये मिला है अजय पिरामिल को, तीसरा है OBE। और OBE की जब बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये मिला है किशोर जयरामन को। और लास्ट में आपको मैंने बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार मिला है AIIA की डायरेक्टर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी को। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी के जो पुरस्कार मिला है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आपको पता होगा एक बुकर पुरस्कार भी होता है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो होता है, इसको भी देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और इस बारे में हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, तो इनका नाम है गीतांजलि श्री। इनका नाम आपको याद रखना है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। नाम ही याद रखना जरूरी नहीं है, इनके साथ साथ इनकी रचनाओं को भी आपको पता होना चाहिए। इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना थी रेत समाधि। क्या रचना थी? रेत समाधि नामक एक रचना थी जिसको लेकर इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और रेत समाधि को यदि इंग्लिश में हम बात करें तो इसको बोलते हैं टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। तो रेत समाधि या टॉम ऑफ सैंड दोनों पूछा जा सकता है किसकी रचना है, तो आपको बताना है गीतांजलि श्री की, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या सात कह रहा है, हाल ही में FATF, उम्मीद करता हूँ नाम आपको याद होगा, FATF क्या है, इस संस्था से आप परिचित होंगे। FATF जिनको नहीं पता है, अभी मैं हिंट दे दूंगा तो आपको याद आ जाएगा। बोला जा रहा है FATF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, सांतोनु कुमार या मैग्नस कार्लसन। बात हो रही है FATF, आप जानते हैं एक संस्था है जिसको बोलते हैं
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने पाकिस्तान को पिछले दिनों ग्रे सूची में डाला था, अब याद आ गया होगा आपको। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका स्थापना जो है ये 1989 में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था? G7 के जो देश हैं, G7 के जो कंट्री हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने देश हैं जो आज के समय में इसके सदस्य हैं, कितने देश हैं जो इसके सदस्य हैं FATF के, तो आपको बता दें इसके जो सदस्य हैं वो कुल मिलाकर नोट कर लीजिएगा 39 देश इसके सदस्य हैं। और इसके द्वारा पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला गया था और पाकिस्तान आज भी FATF की ग्रे सूची में शामिल है, ग्रे सूची में स्थान रखता है, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये हैं टी राजा कुमार, और टी राजा कुमार जो हैं ये सिंगापुर के हैं, ठीक है। तो सिंगापुर के टी राजा कुमार को FATF का प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या आठ क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या आठ कह रहा है, पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडीज किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज फर्नांडीज की बात हो रही है, बहुत ही प्रमुख राजनयिक रहे हैं, लगातार कई वर्षों तक सांसद रहे हैं, विशेष रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इनको पिछले दिनों पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था पिछले वर्ष, नाम याद होगा जॉर्ज फर्नांडीज का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनके नाम पर एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक को लिखा किसने है? पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडीज ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम देसाई, कैलाश सत्यार्थी, राहुल राम गुंडम या बी के रमन, किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। चलें, किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। चलें, इसका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है राहुल राम गुंडम, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, सी विकल्प में यहाँ पे दिया हुआ है। बी विकल्प में आप देख रहे होंगे कैलाश सत्यार्थी का नाम है, कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप जानते होंगे, गुड्स बीफ फाउंडेशन या बचपन बचाओ आंदोलन के जो हैं ये संस्थापक हैं इस मुहिम के, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी, इंटरनेशनल पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है, तो इसके बारे में भी पता होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक खिलाड़ी की चर्चा हो रही है और ये खिलाड़ी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी आर्मंड डुप्लांटिस किस खेल से जुड़े हुए हैं? आर्मंड डुप्लांटिस की बात हो रही है कि ये कौन सा खेल खेलते हैं, और जब बात हो रही है आर्मंड डुप्लांटिस की तो आपको बता दें कि ये विश्व चैंपियन है, अपने आप में ये विश्व चैंपियन है, और इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। और आप जानते हैं कि डायमंड लीग हो रही है, डायमंड लीग के संदर्भ में मैंने आपको बताया था, डायमंड लीग कहाँ पर हो रही है, जहाँ पर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था पिछले दिनों, मैंने आपको बताया, ये हो रही है स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये लीग हो रही थी, ठीक है। और यही स्टॉकहोम में, क्योंकि ये स्वीडन के ही खिलाड़ी हैं, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और ये जो इनका रिकॉर्ड है ये है 61.6 मीटर का, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रिकॉर्ड है इनका, सॉरी 6.16 मीटर का ये रिकॉर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है किस संदर्भ में है यह रिकॉर्ड, तो इनको याद रखिएगा, यह एक वॉल्ट एथलीट हैं। क्या हैं? वॉल्ट एथलीट हैं, और इन्होंने 6 मीटर 16 सेंटीमीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है, इन्हीं का ही पुराना रिकॉर्ड था जिसको इन्होंने तोड़ दिया है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, आर्मंड डुप्लांटिस स्वीडन के हैं, वॉल्ट एथलीट हैं और विश्व चैंपियन हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, डायमंड लीग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डायमंड लीग कहाँ पर हो रही है, स्वीडन में हो रही है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, जहाँ पर यह प्रतियोगिता हो रही है। स्वीडन का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए, अभी हाल ही में नाटो की बैठक हुई थी, नाटो वही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है, ठीक है। और नाटो की जब बैठक हुई थी तो नाटो ने बताया कि स्वीडन के साथ साथ फिनलैंड जब चाहे तब नाटो की सदस्यता ले सकते, मतलब स्वीडन और फिनलैंड को
जो है वो आमंत्रित किया है नाटो ने कि वो नाटो के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाटो का हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस फसल में पिंक वाल बर्म नामक समस्या देखने को मिली है? चलो बताएं, अच्छा प्रश्न है। निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आज के समय में आपको देखने को मिलते हैं, और आपको बता दें इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट बंधन। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट बंधन का संदर्भ किससे है, प्रोजेक्ट बंधन का संबंध किससे है, तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट बंधन के अंतर्गत इस फसल में जो कीट लग रहे हैं उनको लेकर काम किया जा रहा है, उनको कीट मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस संदर्भ में प्रोजेक्ट बंधन के अंतर्गत यदि हम बोलें तो एक मुहिम है जिसको बोलते हैं PB0, और PB0 मुहिम के अंतर्गत ये चीज़ें की जा रही हैं। PB0 मुहिम में विशेष रूप से यदि हम बात करें तो पहले इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि किस फसल की बात यहाँ पे हो रही है, किस फसल की बात हो रही है ये आप बताएं। और इसमें गॉसीप्योर नामक एक रसायन होता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, एक रसायन होता है जिसको छोड़ा जाता है, जिसको ये जो पौधे हैं उनके आसपास छोड़ा जाता है एक संरचना बनाकर, जिसके चलते जो ये विशेष प्रकार के कीट हैं ये अपना प्रजनन नहीं कर पाते हैं, और फिर इनकी संख्या बढ़ती नहीं है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बताएं। गॉसीप्लूर इसको आप नोट करना है, तो इसका नाम है GOSSYPLURE, ठीक है, ये रसायन है जिसका छिड़काव किया जाएगा। चलें बताएं किसकी बात हो रही है, गन्ना कपास अंगूर या सेब, किसकी बात यहाँ पे हो रही है, फास्ट जवाब दीजिएगा सभी। देखो ये बात हो रही है कपास की, और कपास की जब बात होती है तो आपको पता होगा कपास मालवेसी कुल का बोला जाता है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किस कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा मालवेसी कुल का पौधा है, और कपास के लिए जो आवश्यक मृदा होनी चाहिए उसकी यदि हम बात करते हैं तो दो प्रकार की मृदा में कपास उगता है, एक है काली और दूसरी है जलोढ़। तो कपास के लिए काली और जलोढ़ मृदा आवश्यक है, तभी ये फसल विधिवत तरीके से होती है। तो ये जो कपास है, कपास में ये विशेष प्रकार का कीड़ा लग रहा है, और जो बीटी कपास थी जिसको बोला जाता था कि इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, उस बीटी कपास को भी ये कीड़ा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस कीड़े से कपास को मुक्त करने के लिए, कपास की फसल को बचाने के लिए प्रोजेक्ट बंधन चलाया जा रहा है, और प्रोजेक्ट बंधन के अंतर्गत PB0 कार्यक्रम चल रहा है, और PB0 कार्यक्रम के अंतर्गत गॉसीप्लूर नामक एक रसायन जो है इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे कि ये जो विशेष प्रकार के पीले कीड़े हैं ये प्रजनन नहीं कर पाते हैं, और इनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे सीमित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? खाद्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया आपको बताना है, बताएं कहाँ पर आयोजित किया गया है यह आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा, कहाँ पर आयोजित किया गया, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, गांधीनगर, कहाँ पर यह आयोजित किया गया है यह आपको बताना है। बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, गांधीनगर, चलो फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो ये जो विशेष कार्यक्रम था ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे बात हो रही है खाद्य सुरक्षा की, तो आपको बता दें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आप सब जानते होंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है वो मिला है उड़ीसा को, इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो मिला है वो ओडिशा को मिला है, ओडिशा ने सबसे बेहतर काम किया है अन्य राज्यों की अपेक्षा, इसको आपको नोट कर लेना है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश और भारत के बीच गौरव पर्यटक ट्रेन, भारत गौरव जो पर्यटक ट्रेन है उसको चलाए जाने की बात की गई। तो भारत ने किस देश के साथ ये समझौता किया है कि भारत गौरव जो पर्यटक ट्रेन है वो चलाई जाएगी उस देश के साथ। यहाँ पे नाम कुछ दिए हुए हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान, तो किसके साथ ये समझौता हुआ है आपको बताना है। देखो, रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ कई सारी ट्रेनें चलती हैं जिनमें अभी लास्ट में जब भारतीय प्रधानमंत्री कोविड के बाद पहले देश बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की बात की थी जिसका नाम था मिताली एक्सप्रेस। हालांकि अभी बंद थी, शायद अब उसको पूर्ण रूप से चलाया जाए। तो मिताली एक्सप्रेस भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी और मिताली के पहले भी कई सारी ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित होती हैं। तो बांग्लादेश इसका विकल्प नहीं है, इसका सही उत्तर है नेपाल। ये जो समझौता हुआ है नेपाल के साथ हुआ है, भारत और नेपाल के बीच ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। नेपाल की बात करें तो आप जानते हैं यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया, काठमांडू यहाँ की राजधानी है और काठमांडू में आप जानते होंगे सार्क जो संगठन है, सार्क का हेडक्वार्टर भी आपको काठमांडू में देखने को मिलता होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब बात नेपाल की हो रही है तो सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास हम कहते हैं, सूर्य किरण नामक जो सैन्य अभ्यास है ये हम नेपाली वायुसेना के साथ करते हैं सूर्य किरण। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि काली नदी जो है, यदि आपसे पूछ लिया जाए किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद हमारा एकमात्र है वो काली नदी को लेकर है। काली नदी विवाद आप सब ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, यह भी जानकारी आपको रखनी है। नेपाल की संसद की यदि हम बात करते हैं तो नेपाल की संसद को बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत, यह भी आपको याद रखना है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेसेट कहाँ की संसद को बोलते हैं, यह आपको जवाब देना है। नेसेट कहाँ की संसद को बोलते हैं, आपका होमवर्क है। ड्यूमा एक देश है जिसकी संसद को बोलते हैं ड्यूमा, एक देश है जिसकी संसद को बोलते हैं डाइट और एक देश है जिसकी संसद को बोलते हैं नेसेट। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये तीनों देश कौन से हैं जिनमें से प्रत्येक की संसद का नाम, जैसे किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है, किस देश की संसद का नाम नेसेट है, किस देश की संसद का नाम डाइट है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और एक और नोट कर लीजिएगा, एक संसद और अक्सर पूछी जाती है जिसका नाम है पीपल्स मजलिस। पीपल्स मजलिस ये किस देश की संसद का नाम है इसको भी आपको बताना है, ठीक है। नेसेट के बाद पीपल्स मजलिस ये भी आपको बताना है कि ये किस देश की संसद का नाम है, ठीक है। चले, तो इतनी सारी चीज़ें आपने नोट कर लिया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13, क्या बोला जा रहा है, हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण, यहाँ पे साउंड नहीं है, ये है वैश्विक स्वर्ण, करेक्ट कर लीजिएगा, वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। चार देश दिए हुए हैं, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चीन, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए, इन चार विकल्पों में से कौन सा सही है आपको बताना है, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चीन। बोला जा रहा है वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण, यहाँ पे कमियाँ हैं, साउंड लिखा हुआ इसको इग्नोर करना है, ठीक है। स्वर्ण पुनर्चक्रण की बात हो रही है, बोला जा रहा है स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन सा देश शीर्ष पर है, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चीन। स्वर्ण की बात हो रही है तो आप जानते हैं यहाँ पे जब गोल्ड की बात होती है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी इसमें गिना जाता है, अमेरिका भी इसमें गिना जाता है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है, जो देश स्वर्ण पुनर्चक्रण में शीर्ष पर रहा है वो देश है चीन। और चीन के बारे में आप सब जानते होंगे, आपका अपना पड़ोसी देश है चीन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन की यदि हम बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, शी जिनपिंग जो हैं वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि चीन ने एक नया युद्ध पोत भी तैयार किया है जिसका नाम है फुजियान। फुजियान नामक ये जो युद्ध पोत है, इसी के साथ चीन के पास अब तीन युद्ध पोत हो चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे ब्रिक्स सम्मिट होनी है और 14वीं जो ब्रिक्स सम्मिट होगी वो भी चीन में होगी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 14वीं ब्रिक्स सम्मिट जो है ये भी चीन में होनी सुनिश्चित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ चीन ने घोषणा किया है कि वर्ष 2028 तक
चीन का अंतरिक्ष में अपना स्वयं का सौर स्टेशन होगा, सौर संयंत्र होगा। तो यह भी आपको याद रखना है कि किस देश ने वर्ष 2028 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का फैसला लिया है, तो वो देश है चीन। और चीन की जब अंतरिक्ष एजेंसी की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि दो अंतरिक्ष एजेंसियाँ, चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी और दूसरा फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी, दोनों के नाम मिलते जुलते हैं। क्या क्या नाम है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क नंबर 3 है कि चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। जब अंतरिक्ष एजेंसियों की बात होती है तो इन दोनों के अतिरिक्त मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, यूएसए की जब हम बात करते हैं तो उसकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, रशिया की यदि हम बात करते हैं तो रॉस कॉसमोस यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। यदि हम फोर्थ बात करें जापान की, क्योंकि जापान शिंजो आबे के मृत्यु के कारण लगातार चर्चा में है, उनकी हत्या के कारण चर्चा में है, तो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसको बोलते हैं जाक्सा, ये आपको पता होना चाहिए। और फिफ्थ में आपको याद रखना है यूरोपीय यूनियन की, और यूरोपीय यूनियन की जो अंतरिक्ष एजेंसी उसको बोलते हैं ESA। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार बेहतर कर रहे हैं, लगातार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर पर अपनी छाप डाल रहे हैं। उन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप याद कर सको तो जो भी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं ये कुछ विशिष्ट प्रकार के रॉकेट का प्रयोग करती हैं अपने उपग्रहों को भेजने के लिए, अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कई बार मैंने बताया है तो आज इसको भी रिपीट कर लीजिएगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चाइना और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम लिखने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जितनी भी अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में आपको पता है उनके प्रयोग में लाए जाने वाले रॉकेट का नाम पता है। जैसे कि भारत के संदर्भ में हम बात करें तो GSLV और PSLV की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नासा का अपना अलग है, जाक्सा का अपना अलग है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का अपना अलग है। तो सबका जितनी आपको फैक्ट पता है, कहीं से रट्टा नहीं मारना है, नकल नहीं करना है, आपको जितना याद है तत्काल उतना चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 और आज का लास्ट प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है। अभी 1 जुलाई को ये बैठक हुई थी और यूनाइटेड नेशन के सभी 198 जो सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों ने इस पर अपनी सहमति जताई है, इस एकॉर्ड पर अपनी सहमति जताई है, इसको अपनाया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 जुलाई 2022 की बात है। और बोला जा रहा है लिस्बन डिक्लेरेशन है क्या। लिस्बन डिक्लेरेशन विशेष रूप से यहाँ पे बात हो रही थी कि समुद्र को जो है हमें स्वस्थ रखना है, तो लिस्बन डिक्लेरेशन जो है वो महासागरों को स्वस्थ रखने से संदर्भित है, महासागरों को जीवंत बनाने से संदर्भित है, और महासागरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के बारे में है, जिससे कि महासागरों में जो प्लास्टिक कचरा जा रहा है, आप कह सकते हो जो प्लास्टिक संदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि जो जैव विविधता है, समुद्री जैव विविधता, वो प्रभावित हो रही है। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, इन सभी को नियमित करने के लिए, निगमित करने के लिए ये डिक्लेरेशन है। याद रखना है आपको, नाम याद रखना है, क्या नाम है, लिस्बन डिक्लेरेशन। अब लिस्बन किस देश की राजधानी है यदि आप कमेंट बॉक्स में बता सकें तो बड़ी खुशी होगी। इसका सही उत्तर है सी विकल्प, महासागर। ठीक है, तो आज के लिए 3 से 4 होमवर्क आपको दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी छात्र आप में से गंभीर हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जितने होमवर्क दिए गए हैं बताइएगा। यदि किसी के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो भी आप कमेंट में बताएं कि आपको जानकारी नहीं है, अगली कक्षा में उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। पिछली कक्षा में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। नोमैडिक एलिफेंट की जब बात करते हैं तो यह सैन्य अभ्यास भारत मंगोलिया के साथ करता है, याद रखिएगा। मंगोलिया वही देश है जो आप चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा, तो चंगेज खां के देश मंगोलिया के साथ भारत जो है वो नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास करता है। आज की ये चर्चा यहीं पे समाप्त होगी। जो भी होमवर्क दिए गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में सबमिट करिएगा। बाकी कोई भी यदि आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, निश्चित रूप से जितनी हो सकेगी उतनी मदद आपकी की जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।